हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज आप देख रहे हो हमारी दुकान सज चुकी है, हमने सजाने में लगे हुए हैं हमारे जीजा श्री। और ये मोबाइल का काम सामने आप देख रहे हो वो लगवाए हैं और मोबाइल का वो चालू हो गया। अभी बोर्ड वगैरह लगना बाकी है, ये बोर्ड वगैरह काम आज चालू हो जाएगा, मतलब सामने लग जाएंगे। ये कल हमने नया प्रिंटर लिया है, एक्चुअली यहाँ फोटो कॉपी का काम अच्छा है तो ये प्रिंटर लिया हमने, HP का 136W मॉडल है। ये 18,300 रुपए का पड़ा है हमें और ये हमने इसलिए लिया है कि लेजर जेट प्रिंटर है इस, क्योंकि जो ज्यादा फोटोकॉपी का काम होता है ना तो फिर इसमें ही सही है। ये थोड़ा स्पीड प्रिंटर है, एक मिनट में लगभग 20-25 कॉपी निकाल देता है। इससे पहले जो हमारे पास इंक जेट प्रिंटर था वो पुराना था, वो खराब भी हो गया था और वो एक बार में लगभग 6-7 प्रिंट निकालता था आपका मिनट में, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट में। तो इसलिए हमारे पास 50-50, 60-60 कॉपी आती है तो बहुत टाइम लग जाता था उसमें और वो लैक भी करता था, तो इस वजह से ये वाला प्रिंटर लिया है। अभी देख रहे हो आप, अभी ज्यादा करा नहीं है। अब मैं आपको पूरा व्लॉग बना करके दिखाता हूँ दुकान का कैसा। सामने से ये हमारे मित्र हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जानने वाले, और ये सामने से ये हमारे बाबा जी है, ठीक है। ये भी हमारा ऐसा, अभी अभी तो बहुत सामान लगना है, पेटियों में भी पड़ा हुआ है। ओपनिंग हमने कर दी है फिलहाल इसकी, तो अभी देखते हैं जैसे धीरे धीरे काम रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। अभी खा रहे हैं झाल मुहे योगेश जी, ये भैया आए थे वो बाहर खड़े हैं झाल मुहे वाले, मजा आ गया खा गया। पिक्चर लग रही है योगेश जी की फेवरेट, अब योगेश जी पिक्चर देखेंगे। मेरे को जाना है सिडकुल साइट कंपनी में किसी, तो मैं कंपनी निकलूंगा, खा करके निकलते हैं, देखते हैं दोस्तों कैसे मजे। शाम तक मिल जाएगा आपको, शाम तक तो क्या है ना, अब दुकान चेंज करिए, सामान कुछ खत्म है तो पूरा हो, शाम तक ले वो तो मैं पता क्या रेट कर लो, 4 महीने दुकान बंद रही मेरी, रेट आपको सही लग जाएगा, शाम तक मिल जाएगा। शाम तक कस्टमर आया सुबह और वापिस, तो काम हम वैसे डाउन चल रहे हैं, एक आया वो भी चला गया वापस। अभी चलिए दुकान पे कुल्हड़ वाली चाय, ये हमारे योगेश साहब भी चाय पी रहे हैं, अगे मालिक साहब हैं। तो अब कोई काम वाम तो है नहीं दोपहर में, एक्चुअली क्या है ना, एक तो फर्स्ट डे है आज दुकान का, दूसरा दिन है सॉरी, और दूसरा क्या कहते हैं दिन के टाइम थोड़ा काम कम ही रहता है। तो बैठे हैं साहब हमारे साथ में, पिक्चर देख रहे हैं, जय भीम पिक्चर चल रही है साथ में, और ये हमारे साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। जीजा जी गए हुए हैं घर पे, अभी बोर्ड लगाने वाला आ रहा है, फोन पे वाले को बुलाया, आज फोन पे का काम करवाना है और सामने बोर्ड वगैरह जो है वहाँ पर आगे लग जाएंगे, तो यही काम रहेगा। तब तक मस्ती खोरी चलती रहेगी, दुकान पे बैठे रहेंगे और क्या करना है। अभी आ गए हैं ऑफिस में थोड़ा देर आराम करने के लिए, थोड़ा काम था मेरे को तो इसलिए आ भी गया था। तो अभी ये साहब को हमारे देखो कैसे लेटे हैं मस्त यहाँ पे, हमारे दूसरे साहब भी लेटे हैं, हमारे ऑफिस में थोड़ा सा सामान वान पड़ा रहता है, तो क्या कहते हैं असल में ना वो कुर्सियाँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई होंगी, चेयर वगैरह, वो लोड करके अब वो वहाँ दुकान पे ले जानी है। यहाँ पर तो पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन वो निकालने का टाइम नहीं मिलता, मतलब आलस आ जाता था, तो वहीं ले जा करके देखेंगे। तो आज अभी ऑटो आ रहा है उसमें रखवाते हैं, फिर रखवा करके वहीं दुकान पे उतारते हैं आज। अभी जो ऑफिस में अपनी कुर्सियां थी, जो आप मेरे शुरू से सब्सक्राइबर रहे हो उन्होंने देखा होगा कि अपने जो कुर्सियां वगैरह, अरे रुक जाओ भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं है धूल, एक मिनट रुक जाओ, या तो मैं मास्क पहनने दो या फिर अभी मेरे को अंदर जाने दो। तो वो अपनी वो जो चेयर थी वहां पर बिक रही थी, लेकिन असल में क्या है ना, वहां पर स्पेशल ऑफिस जा करके बाहर निकालनी पड़ती थी तो वो टाइम नहीं मिलता था कई बारी उसके लिए, और क्या कहते हैं याद नहीं रहा था, बार बार निकालना अंदर रखना, तो वो वैसी पड़ी रहती थी। तो इसलिए अब आज हम क्या कहते हैं यहाँ पर ले आए हैं इस चेयर वगैरह जो भी थी हमारी ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ चेयर, देख चलते हैं। ये देखो ये चेयर वगैरह ले आए हैं, ये सारी चेयर अब यहाँ ले आए हैं, ताकि ये होगा ना शॉप तो खोलनी है रोज, अपना यहीं पे रख दी, शाम सुबह निकाल दी, अंदर मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है अपना, वहां जाकर रख देंगे, यहाँ पर सजा करके मैं रख दूंगा,
जैसे कोई कस्टमर आया तो उसको यहीं से दिखा दी कि ये है, अगर लेनी है अपने तो इसकी हर हर वैरायटी के दो दो बाहर निकाल करके रख देंगे, बाकी किसी ने लेनी हुई तो वो अंदर जा करके देख के ले लेगा। हमारे योगेश साहब मेहनत कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, मैंने रोका हुआ है। चलो ये हमारे इधर फल की दुकान है, चलो तो मार लो फिर, मार लो। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, मुझे हो रही है थकान, अब मैं बैठूंगा आराम से, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। अब मेरी होगी है जाने की तैयारी, वो सामने देखो आ रहे हैं। मेरी होगी है लगभग, हम जाने की तैयारी है, मतलब 7:30 हो गए हैं और कुछ नहीं, चेयर वगैरह भी सब मैंने अंदर रख दी है यहाँ पर। मैं ना बाहर इसको निकालूंगा नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है निकालने और ले जाने में ना, तो मैंने यहाँ पर ऐसा करके सब रख दिए हैं, और कोई आएगा तो 2-4 बाहर रख दिए, फ्लेक्सी बना के रखी है वो बाहर रख देंगे, अपना अंदर ला करके दिखा दी, क्योंकि अपना अंदर लाने की कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ से आ गए है ना, तो ये ऐसे करके अपना इधर से ले जा गए। तो अब चलने का टाइम हो गया, अब कुछ ऐसा तो आज रहा नहीं, दूसरा ही दिन था तो इतनी ज़्यादा सेल भी नहीं हुई है, 250 रुपए की सुबह से अब तक काम किया मैं आपको बताऊँ तो, मेन तो यही होता है काम ज़्यादा हो, लेकिन आज हम दुकान पर ज़्यादा बैठ भी नहीं पाए, तो वही 150-200 रुपए का काम हुआ है। और अभी आने वाले दिनों में सेल बढ़ेगी, अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो हम खुद ही लगाने और सेटिंग करने में माल लाने में निकल जाता है, तो आगे के दिन देखना रहेगा कि कैसा रहता है, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये वाली वीडियो को मैं अभी यहीं एंड कर देता हूँ, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, देखते रहेंगे, मैं आपको बाकी अपडेट्स वगैरह देता रहूँगा। और जय हिंद जय भारत। अभी हम आए हैं होलसेल, थोड़ी सी स्टेशनरी होलसेल भैया की दुकान पे, थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान लेना था, अब रात को आए हैं तो अब लेकर के चलेंगे। अभी ये कैश मेमो निकलवाए हैं और इसके बाद देखते हैं कुछ और सामान बोला है अगर मिलता है तो। ये अपने जैसे जैसे कस्टमर आते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट आती है, वैसे वैसे क्या कहते हैं लेकर के जाना पड़ता है फिर सामान, तो वही सामान लेने आए हैं कि जो जो आज सुबह आए थे, कई कस्टमर ऐसे जो उस समय सामान हमें मिल नहीं पाया था तो वो अब लेने आए हैं, मतलब वो उस समय दुकान पे सामान अवेलेबल नहीं था तो अब लेने आए हैं। ऐसे ही नोट कर लेते हैं, जैसे जैसे जो कस्टमर डिमांड में आती है चीज़ें वो फिर बाद में ले जाते रहते हैं, तो लेकर के अभी निकलेंगे, यही है स्टेशनरी की दुकान, होलसेल पे आए हैं, अभी लेकर के निकलेंगे यहाँ से। बहुत माल है, ये तो आपको जो दिख रहा है उसके पीछे गोदाम है, उसके बहुत है ये हमारे योगेश जी। चलो तो यही था, मैंने कहा एक बार बता देता हूँ ये भी आप लोगों को कि जो भी सामान वगैरह है वो लेकर के हम जा रहे हैं, निकलवाया है भैया, गए अंदर निकलवाने।